टीम 22 पर एक मेल के थ्रू कुछ प्रश्न आए हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं, निब्बान, परिनिब्बान और महापरिनिब्बान में क्या अंतर है। सबसे पहले आप ये समझें, निब्बान क्या होता है। वैसे तो निब्बान को संस्कृत भाषा में निर्वाण बोलते हैं, मगर निर्वाण का मतलब या निब्बान का मतलब अगर आप समझेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गजब का है। नी माने होता है नहीं, यानी कि बिना, यानी कि नी का मतलब है ये नहीं है, बिना इसके। जैसे हम बोलते हैं नी सार, यानी कि इसमें सार नहीं है, सार के बिना। तो निब्बान का मतलब हो गया, यहाँ दो बै हैं, जब दो शब्द जुड़ते हैं तो पाली में डबल बै आ जाता है, डबल शब्द आते हैं। जैसे कम हो गया, जैसे पण हो गया, ऐसे ही निब्बान। निब्बान का मतलब है नी और बाण। नी बाण का मतलब है, बाण जो शब्द आता है वो आता है जो धनुष पे चढ़ा के हम छोड़ते हैं, जिसको तीर भी बोलते हैं। मगर जब तीर नहीं था, इस बात को ध्यान दें, जब धनुष नहीं था, तीर नहीं था, शब्द ये जब भी था तब भी बाण था, तब भी निब्बाण था। यानी कि धनुष और तीर के बनने से पहले, धनुष और बाण के बनने से पहले भी निब्बाण शब्द था। तो यहां बाण का मतलब पाली में है क्या। पहले आप निब्बाण में जो बाण है शब्द, इसको समझें। बाण को तीर तीर भी बोलते हैं, क्योंकि जब ना तीर था ना कमान थी, ध्यान दें इस बात को कि ना तीर है ना कमान है, बाण शब्द और तीर शब्द उससे पहले के हैं। तीर का मतलब है जो पार देखने की क्षमता है, यानी कि बियॉन्ड देखने की जिसकी क्षमता है, जो आगे भी देख सकता है, उसको तीर बोलते हैं, तीरेती करके। और बाण का मतलब होता है जो मारा जाता है, मार हो गया एक तरह से, यानी कि आपने किसी को मारा, एक डंडी मारी कमान पर चढ़ा के और वो आर पार निकल गई, आर पार भी वो देखती है, ये ऐसी मार है। यानी बाण जो है वो एक मार का रूप है। यहाँ इसलिए है क्योंकि जितने भी पुराने अन्वेषण होते थे तीर कमान से पहले, बाण से पहले, इसका मतलब है कि कोई बुराई हमारे अंदर मार कर रही है, बुराई हमें मार रही है, वो बाण हो गई, वो तीर हो गई, जो हमारे अंदर तक जाके चली गई। अब बुराई अंदर आ रही है, अगर बुराई अंदर ना आए, यानी बाण ही ना रहे, मारने का जो बुराई है वही ख़त्म हो जाए, तो फिर आदमी निब्बाण हो जाता है, यानी कि अब मारने के लिए कुछ है ही नहीं। निब्बाण, नी बाण, यानी कि अब उसके पास मारने के लिए कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उस अवस्था को निब्बाण बोलते हैं, बिना बाण का, बिना एरो का, बिना तीर का। यानी बुराई खत्म हो गई आपके तर्कस में, यानी कि जो आपके पीछे जो आपका स्टोरेज है उसमें अब कोई बुराई नहीं बची है, उस अवस्था को निब्बाण बोलते हैं और संस्कृत भाषा में निर्वाण बोलते हैं। तो महानिब्बाण क्या हुआ या परिनिब्बाण क्या हुआ। परि का मतलब है पूरा निब्बाण, यानी कि पूरी तरह से तर्कस खाली हो गया, और महापरिनिब्बाण का मतलब है बड़ा, परि माने पूरी तरह से, निब्बाण माने बिना बाण का। तीनों ही शब्द का एक ही अर्थ है, आप में तीनों शब्द एक ही हैं और एक ही इसका मतलब है। ठीक ऐसे जैसे हम ये कहें कि मच्छू, परिमच्छू और महापरिमच्छू, मच्छू का मतलब मृत्यु होता है, यानी मृत्यु या पूर्ण मृत्यु, परिमृत्यु या बहुत बड़ी पूरी मृत्यु, यानी मृत्यु तो हो गई, अब आप उसको अलंकार लगा के या तो बड़ी कहें या पूरी कहें, मगर मृत्यु तो मृत्यु है, यानी जो मर गया वो तो मर गया, उसका छोटा क्या, उसका बड़ा क्या, उसका अब पूरा क्या, उसका आधा क्या। अगर किसी को मृत्यु हो गई तो इसका मतलब हो गई। जैसे मृत्यु बड़ी छोटी नहीं हो सकती, ऐसे ही निब्बाण जो है वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता। बुद्ध के अनुयायियों ने अलंकारित करके बुद्ध की सभी बातों में महाशब्द लगाया है, यहाँ तक कि भारत के अंदर भी महाशब्द लगा के इसको महाभारत बोला है, बड़ा भारत बोला है। जब अशोक के समय में ये भारत बहुत बड़ा था, तब इसको महाभारत शब्द पहली बार बोला गया पाली के बाद, उससे पहले महाभारत शब्द नहीं आता। तो महा लगाने की, एक अलंकार लगाने की, सुशोभित करने की, उनको सम्मान देने की, जो उनके श्रद्धालु लोग थे, जो उनके अनुयायी लोग थे, उनमें ये आदत थी, लगाया गया है। परिनिब्बान का मतलब है पूरी तरह से निब्बान होना, मगर निब्बान तीनों में सेम है, इसलिए इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जो निब्बान को प्राप्त कर गया वो निब्बान को प्राप्त कर गया। निब्बान ना आधा होता है, ना अधूरा होता है, ना पूरा होता है, ना बड़ा होता है, निब्बान निब्बान होता है। जैसे मृत्यु मृत्यु होती है, जैसे जन्म जन्म होता है,
अगर किसी का जन्म है तो ना वो जन्म बड़ा होगा, ना छोटा होगा, ना आधा होगा। आप अपने सोशल स्टेटस के हिसाब से उसको कहते रहें कि बहुत बड़ा जन्म है, बहुत छोटा जन्म है, घटिया जन्म है, अच्छा जन्म है, बाकी जन्म तो जन्म है, मृत्यु तो मृत्यु है, निर्वाण तो निर्वाण है। पहला प्रश्न तो ये पूरा होता है। दूसरा प्रश्न में कहते हैं, क्या परिनिर्वाण के बाद मन का जड़ से अंत हो जाता है? क्या उसके बाद इंसान का कोई अस्तित्व नहीं रहता? भगवान बुद्ध के जब ये प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध निर्वाण होने के बाद में क्या उनका अस्तित्व रहता है या नहीं रह जाता है, या बाद में वो आते हैं या नहीं आते हैं, क्या उनका होता है, वो उस पर मौन रहे, कभी उन्होंने बताया नहीं। चूँकि मैंने वो अवस्था तो प्राप्त की नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता। मगर एक सॉफ्टवेयर पे अगर आप थ्योरी को देखेंगे, आज की डेट में उपलब्ध है, तो अगर कोई सॉफ्टवेयर में इनपुट ना हो और आउटपुट ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर को क्या पोजिशन उसकी होगी, क्या नहीं होगी। ऐसा जान के आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ सकते हैं, आज की डेट में आसान है। तीसरा प्रश्न है उनका, क्या गौतम बुद्ध दुनिया को देख सकते हैं या फिर उनकी चेतना का जड़ से अंत हो गया? महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध कहाँ चले जाते हैं? कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर जिसका चक्षु विज्ञान यानी आँखें जिसकी खत्म हो गई हैं, वो देख नहीं सकता। हम भी जब विपसना करते हैं तो आँखें बंद करके देखते हैं, तो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हमें अनुभव होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो होता है, जो घटता है, वो सारा का सारा हम महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं, वो सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग बॉडी पे प्रभाव डालते हैं। अंदर सेल्स में क्या होता है इसका हमें पता चलता है, आंखों से नहीं देखते हम। अगर चक्षु खोल के रखेंगे, आंख खोल के रखेंगे, तो फिर विपसना में अंदर ध्यान से लगा नहीं पाएंगे। क्योंकि बुद्ध की बॉडी पूरी जल गई और ख़त्म हो गई, तो जिसकी आँखें ही चली गई हैं वो देख नहीं सकता। ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। और जो चेतना का जड़ से अंत होना, चेतना का जड़ से अंत होने का जो सवाल है वो मैंने आपको दूसरे नंबर के सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि बुद्ध उसके बारे में शांत रहे, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। सद जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, क्या बुद्ध ने इन शब्दों के बारे में कुछ कहा है? इन शब्दों का अर्थ क्या है? जीव आत्मा, जीव जीवात्मा, परमात्मा। देखिए, जीव जो है वो जितने भी जिनमें रूप और नाम है उन सबको जीव बोला गया है, यानी कि नाम रूप में है। जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर शरीर को चलाने वाला मेरा सॉफ्टवेयर भी है, और मैं हार्डवेयर में पूरा शरीर भी है जो काम करता है, इसको पूरा जीव बोला है। अत जो है, अत शब्द है पाली के अंदर, अत का मतलब होता है स्वयं। संस्कृत भाषा में इस अत को आत्मा बोला गया है, उन्होंने बाद में इसको आत्मा कर दिया यानी स्वयं को। मगर यहाँ कोई ऐसा नहीं बताया उन्होंने, ना ही कहा, ना ही ऐसा माना कि कोई चमत्कारिक चीज़ है जो आती है जाती है। ये सब चीज़ें बाद में जोड़ी घटाई और उनमें ग्रंथों में होंगी। पाली के अंदर या भगवान बुद्ध के अंदर सिर्फ अत है, आत्मा नाम का कोई शब्द नहीं है। और जब आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा का तो मतलब ही नहीं होता। पांचवा शब्द है इनका, शून्य, अनंतता, एकाग्र, सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वर्ड इन द मेडिटेशन। वो कह रहे हैं शून्य है और अनंतता, अनंत है और एकांत है, इसका एकाग्र या एकांत है, उसका मतलब क्या होता है? बाद के लोगों ने, जो बाद में भिक्खु आए, उन्होंने चूंकि जो बुद्ध का एक ज्ञान है वो पूरा एक चक्र है, धम्म चक्र बोलते हैं इसको, इसको पटित्य समुत्पाद यानी पटित्य समुत्पाद का या प्रत्यय समुत्पाद का चक्र बोलते हैं, धम्म चक्र बोलते हैं। उस चक्र को उन्होंने बाद में जब शून्य शब्द का आविष्कार हो गया, क्योंकि शय शब्द पाली में होता नहीं तो शून्य शब्द तब था नहीं, तो उसको उन्होंने शून्यता या शून्यवाद या जीरोवाद या क्या बोलते हैं नलवाद, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, तो शून्यवाद करके ये जोड़ा गया। इसको हेतुवाद भी कहा, शून्यवाद भी कहा, कारणवाद भी कहा, ये सारे वाद करके बने। मगर जो सिद्धांत उन्होंने बताया वो वही है, उसको चक्र के रूप में शून्य मान लिया तो शून्य हो गया। अनंतता के बारे में तो उन्होंने सनंतनो बोला हुआ है, सनंतन यानी सनंतन शब्द पाली का शब्द है, और सनंतनो जो शब्द है, सनातन शब्द है, वो सनंतनो से या सनंतन से बना है, सनातन वो संस्कृत शब्द है। तो सनंतन या सनातन शब्द जो है वो अनंतता के बारे में बताता है। स माने निज होता है और अनंत माने होता है इनफाइनाइट, यानी उन्होंने बताया है कि जो प्राकृतिक है, ऐस धम्मो सनंतनो, ये जो प्राकृतिक नियम है, जो प्रकृति चलती है,
ये है मेरे से स्टार्ट होती है, यानी कि किसी जीव से स्टार्ट होती है, स्वयं से स्टार्ट होती है और ये इन्फाइनाइट है, ये अनंत तक चलती रहती है, ऐसा उन्होंने अनंत शब्द के बारे में बताया हुआ है। और एकाग्र तो साधना के अंदर जो होता है, चित्त को एकाग्र करना होता है, तभी आप साधना में उतर सकते हैं, विपस्ना में उतर सकते हैं। ये शब्दों के बारे में तो सिंपल सी बात है। रावण, रावण, राम या रामा, सरस्वती या कृष्णा, क्या बुद्ध ने इन शब्दों के बारे में कुछ लोगों से कहा? एनी स्टोरी इन बुद्धिज्म अबाउट दीज फोर पीपल? रावण के बारे में कोई भी स्टोरी उसके अंदर नहीं है, कृष्ण के बारे में भी शब्द नहीं है, क्योंकि शय जो शब्द है कृष्ण का वो बहुत बाद में बना है। रावण भी कोई शब्द नहीं है, सरस्वती भी कोई शब्द नहीं है। ये शब्द किसी भी हालत में त्रिपिटक के अंदर नहीं है। कोई अगर स्टोरी कहीं जोड़ी भी है तो वो स्टोरी बाद की हो सकती है, क्योंकि जो लिखाई पढ़ाई है, जो ग्रंथों का जोड़ना घटाना है, वो आज तक भी चल रहा है। भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का बहुत सारा हिस्सा बाद में जोड़ा गया है, उन लोगों ने जोड़ा है जो लोग अलग अलग सभ्यताओं से आए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हैं। बेसिकली भारत के जो मूल लोग रहे हैं, भारत की जो मूल सभ्यता रही है, उनका अक्षर ज्ञान खत्म कर दिया गया, उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी गई, तो वो अपनी हिस्ट्री, अपना शब्द ज्ञान सब कुछ भूल गए, पाली भाषा नहीं भूल पाए, क्योंकि पाली भाषा हिंदी रही वो लगातार बोली जाने वाली भाषा थी, और बोली जाने वाली भाषा कभी नहीं मरती। जो भाषा मॉडिफाइड होती है, संस्कारित होती है, बाद में बनाई जाती है, जो गुणा भाग जोड़ घटाने से बनती है, कुछ जोड़ा कुछ घटाया, वो भाषाएं ज़्यादा नहीं चलती हैं, वो लिमिटेड लोग, क्योंकि उनको सीखना पड़ता है। और जो नेचुरल भाषा होती हैं, जैसे पाली भाषा रही है, पाली तो इसका नाम बाद में पड़ा है, इसको असोगी भाषा बोल सकते हैं, इसको धम्म लिपि बोल सकते हैं, धम्म भाषा बोल सकते हैं, इसको मगध की भाषा बोल सकते हैं, इसको कौशली भाषा बोल सकते हैं, पाली नाम फेमस है, पाली बोल सकते हैं, या आज की इसको हिंदी भी बोल सकते हैं, आजकल इसको हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए भाषाएं उनकी वही रही, लोकगीत उनके वही रहे, लोक शब्द उनके वही रहे, लोकोक्तियां उनकी वही रही, नाम भी उनके वही रहे, उनके गांवों के नाम भी वही रहे, शहरों के नाम तो बदल गए, मगर गांव के जो 6-7 लाख नाम हैं वो लगभग वही हैं, कुछ को छोड़कर। उनकी जगहों के नाम भी वही हैं, वो अपने जानवर को, अपने पशु को, अपने चारे को, अपने जो चीज़ें बोलते हैं, उनके नाम भी लगभग वही हैं, वो नहीं बदले, वो ऐसे के ऐसे हैं। उसका नाम बदल के जरूर हिंदी कर दिया गया, मगर भाषा वो आज की डेट में पुरानी की पुरानी भाषा है, और उसमें सब मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एक एक शब्द को, तो एक एक शब्द में सारी चीज़ें, सारा इतिहास उनका छुपा हुआ है, भरा हुआ है। ये आपके प्रश्नों के जवाब हैं। अगर किसी और के भी कोई प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्न मेल से या कमेंट बॉक्स में दीजिए, संभव होगा कि हम अपनी पूरी टीम से उसका जानकारी लेके, उसका विश्लेषण लेके, जहाँ जहाँ भी ज्ञानी लोग हैं, जो जो लोग इसमें सहायता करते हैं, उनसे हम पूछ के आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे जो सवालों के जवाब हैं वो सही हों, हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा जानते हों, आपका भी स्वागत है, क्योंकि जानकारी तो आती और जाती जैसे जैसे हम बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे की बढ़ती रहती है, बढ़ानी भी चाहिए, यही प्रकृति है, यही नियम है, यही धम्म है। धन्यवाद।